हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 10C। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड चैप्टर का 10C एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एक्सरसाइज 10C है ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है, तो हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज 1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ्स। देखिए, 14 मीटर क्लोथ्स का कॉस्ट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 6 मीटर क्लोथ्स का कॉस्ट कितना होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कॉस्ट, और क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, जो फाइंड करना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट। क्या गिवन है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो देखिए 14 मीटर का क्या है कॉस्ट? 1890। 1 मीटर का निकालेंगे, 1 मीटर का क्या होगा? तो 14 मीटर का दिया है, 1 मीटर का फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 1890 डिवाइड बाय 14 हो जाएगा। अब 6 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का ये है तो 6 मीटर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 6 का। अब इसको कट करेंगे तो 14 के टेबल से कट किया 1 टाइम में, फिर इसको करेंगे 1 टाइम में, 3 टाइम में और 5 टाइम में, यानी 135 टाइम में कट होगा। तो आएगा 135 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आपका आंसर 810। ठीक है, 810 रुपीज जो है वो 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आया। यही फाइंड करना था, फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम, एकदम सेम ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप, और डजन, एक डजन सोप का कॉस्ट कितना है? 285.60 रुपीज। और 15 सोप्स का कॉस्ट पूछ रहा है, डजन का, यानी कि 1 डजन का कॉस्ट दिया हुआ है, 15 डजन का पूछ रहा, अरे 15 सोप्स का पूछ रहा है, सॉरी 15 सोप्स का पूछ रहा है। तो सिंपल है, क्या फाइंड करना है हमें? कॉस्ट फाइंड करना है ना। देखिए कॉस्ट फाइंड करना है, इसको राइट साइड में लिख दिया कॉस्ट, नंबर ऑफ सोप्स, 1 डजन में 12 होता है, ठीक है। 1 डजन का कॉस्ट दिया हुआ है 285.6, क्लियर। तो 1 सोप का निकालें, 1 सोप का, ये तो 12 का था, तो 1 सोप का निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 285.60 डिवाइड बाई 12। इसके बाद 15 सोप्स का पूछा है, 15 सोप्स का क्या होगा? 1 डजन का ये है तो 1 का ये है, 1 सोप का, तो 15 का क्या होगा? 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 4 1 जा 4 और 71.40 में ये कटा, क्या मिला? 71.40 इंटू 5 ये हुआ, आ गया मल्टीप्लाई करने पे 357.00। ये हो गया आपका 15 सोप्स का कॉस्ट, यही फाइंड करना था, फाइंड हो गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम ऐसे ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। हमें फाइंड करना है कॉस्ट 3 में भी। देखो क्या है, 9 केजी राइस का कॉस्ट दिया हुआ है और 50 केजी राइस का पूछ रहा है, सेम है, 9 केजी का दिया है, 50 केजी का पूछ रहा है, तो वही क्या फाइंड करना हमें? कॉस्ट। तो कॉस्ट राइट साइड में राइट करेंगे, वेट ऑफ राइस दिया हुआ है, तो 9 केजी का कितना है? 327.60 रुपीज। 1 केजी का निकालेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 327.60 डिवाइड बाई 9। और 50 केजी का, 50 केजी के लिए क्या करेंगे? 1 केजी का अगर ये है तो 50 केजी के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 के डबल से इसको काटा गया 36.40, तो 36.40 इंटू 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 का, फिर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो आएगा 5 4 जा 20, ठीक है, 0 कैरी 2 30, 32 का 2 कैरी 3 15 और 3 18, तो 1820.00 ये आएगा आपका 50 केजी का कॉस्ट। ये फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम वो भी है, 4 में भी क्या करना है बहुत ध्यान से देखिए। 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 केजी। 22.5 मीटर आयरन रॉड का जो है वेट है 85.5 केजी, तो 5 मीटर आयरन रॉड का वेट कितना होगा? हमें फाइंड करना है वेट, ठीक है, तो फाइंड करना है तो उसको राइट साइड में लिखेंगे, वेट, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, आयरन रॉड। तो 22.5 मीटर का कितना है वेट? 85.5 केजी। तो 1 मीटर का कितना होगा? 85.5 डिवाइडेड बाई 22.5। अब देखिए यहां डेसिमल है और 1 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ओके, डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब क्या करेंगे, 5 मीटर का पूछा था तो 1 मीटर का ये है, तो 5 मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, कट किया गया इसको, देखिए 5 5 5 4 20 1 5 5 25, पॉइंट से पॉइंट कटा 855/45, 45 के टेबल से काटे हम लोग 1 टाइम में,
और ये 1 और 9 19 टाइम में पूरा पूरा कट गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, 19 kg, यानी 5 मीटर आयरन रॉड का वेट कितना है, 19 kg। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इफ 15 टिन्स ऑफ सेम साइज कंटेन 234 kg ऑफ ऑयल, हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन 10 सच टिन्स। देखो क्या कह रहा है कि 234 kg ऑयल, ठीक है, यानी 15 टिन्स में इतना केजी ऑयल है, तो 10 टिन्स में कितना होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ऑयल, ठीक है, वेट ऑफ ऑयल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो राइट साइड में लिख देंगे, वेट ऑफ ऑयल फाइंड करना है, नंबर ऑफ टिन्स 10। तो सबसे पहले 15 टिन का कितना है वेट, 234 kg, 1 टिन का निकालेंगे तो 234/15, यानी 15 से डिवाइड कर देंगे 1 केजी निकालने के लिए। 10 टिन्स का पूछा है, तो 10 टिन्स के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 टिन का है वेट उसमें 10 टिन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटा गया 5 3 15, 5 2 10, फिर 3 के टेबल से इसको कट किया गया 78 टाइम में, 78 × 2 कितना आएगा, 156 kg, यानी कि 10 टिन्स का जो वेट है वो क्या है, 156 kg। क्लियर है, फाइंड करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में मूव ऑन करते हैं। तो 6 है हमारा, इफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय अ कार इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 222 kilometer, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट गो इन 22 liter ऑफ डीजल। हमें देखिए क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहां बता रहे क्वेश्चन में कि 12 लीटर डीजल में वो 222 kilometer कवर करता है, तो बताइए 22 liter डीजल में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं, फाइंड करना है हमें डिस्टेंस, तो हम यहां राइट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो, और लेफ्ट साइड में राइट करेंगे अमाउंट ऑफ डीजल, कितना अमाउंट ऑफ डीजल का। तो देखिए 12 लीटर में कितना है, 222 kilometer, तो 1 लीटर डीजल में कितना जाएगा, डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक। अब 22 लीटर डीजल में कितना जाएगा, तो 222 जो 1 का है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का। अब देखिए काटा गया तो 2 1 2 2 1 2 2 6 12, फिर काटा गया 2 3 6, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, फिर 3 के टेबल से काटा गया 3 1 3, अब इसको काटा गया 3 3 9 3 7 21, ठीक है। अब आई 37 × 11 कर दिया, अब 11 7 77 7 7 और 11 3 33 7 40, यानी 407 kilometer, ये आपका आंसर आ गया, यानी 22 लीटर में 407 kilometer डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 टू कैरी 25 tons ऑफ वेट, वॉट विल इट चार्ज टू कैरी 35 tons। देखिए एक कंपनी जो है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो 25 ton वेट का कितना चार्ज लेती है, 540 rupees। तो आपको पता करना है कि 35 ton का कितना चार्ज लेगी, अगर वो 25 ton का इतना चार्ज है तो 35 tons का कितना चार्ज होगा। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है और वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो राइट में लिखेंगे, यानी चार्ज कितना चार्ज है वो, और वेट 25 टन का कितना चार्ज है, 540 rupees, 1 टन का कितना होगा, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, 35 टन का पूछा है, 35 टन का पूछा है तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी 1 टन का कॉस्ट आया है। तो 1 टन का कॉस्ट यानी चार्ज ये है, 35 का क्या होगा, 35 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए 5 के टेबल से कट किया गया, 5 5 25 5 7 35, फिर 5 5 5, इसको काटा गया 5 5 5 0, 5 8 40, तो 108 टाइम में कटा और 7 टाइम, तो 108 × 7 कितना आएगा, 756, क्योंकि 7 8 56 और 7 7, तो 756 जो है वो 35 टन्स का चार्ज होगा। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग को ओपन करना पड़ेगा 158। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4.5 gram ऑफ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 3.5 gram ऑफ कॉपर। अगर एक एलॉय है, कॉपर और जिंक को मिला के एलॉय बनाया गया है, तो उस एलॉय का वेट है 4.5 gram। अब उस एलॉय में से बता रहे 4.5 gram जो एलॉय का वेट है, उसमें से कॉपर का वेट है सिर्फ 3.5 gram, उसमें सिर्फ कॉपर का वेट है 3.5 gram, और आपको पता करना है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 18.9 gram ऑफ द एलॉय। तो 18.9 gram एलॉय में कॉपर का वेट कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है, और यहाँ वेट ऑफ एलॉय दिया है। तो 4.5 ग्राम में अगर 3.5 है, तो 1 ग्राम में कितना कॉपर होगा, फिर 18.9 ग्राम एलॉय में कितना कॉपर होगा वो निकालेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो हमें क्या फाइंड करना, वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर यहाँ राइट कर दिया, ये फाइंड करना था, वेट ऑफ एलॉय, एलॉय का वेट।
अब देखिए 4.5 ग्राम एलॉय में कितना वेट है कॉपर का, 3.5 ग्राम, तो 1 ग्राम एलॉय में कितना होगा, तो 4.5 से डिवाइड कर देंगे, पता चलेगा कितना होगा। अब देखिए डेसिमल 1 डिजिट के बाद है दोनों में, तो डेसिमल से डेसिमल कट सकता है, ठीक। अब 18.9 ग्राम एलॉय में कितना कॉपर का वेट होगा, तो हम 18.9 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको कट किया गया 59 जा 45, 57 जा 35। अब इसको 9 के टेबल्स कट किया, 9 जा 9, 9 2 जा 18.9 जा 9, 2.1 टाइम में ये और 7, तो क्या बचा आपके पास, 7 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 जा 7, 7 जा 14, यानी 14.7 ग्राम जो है वो कॉपर का वेट आ गया, ये फाइंड करना था, हो गया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान यूनिटरी मेथड है, ठीक। ओके, थैंक यू।